नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का राजस्थान यूट्यूब चैनल। इन दिनों देश के पॉपुलर न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पर आपको कुछ हेडलाइंस दिखेंगी, वो है पाकिस्तान में टिड्डी बिरयानी बनना। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त टिड्डी बिरयानी बनने की खबरें आ रही है। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार में सिंध सूबे के मंत्री मोहम्मद इस्माइल है, उन्होंने खुद अपने लोगों को सलाह दी है कि वो टिड्डी बिरयानी खाए। इसके लिए लोगों ने फसलों को बचाने के लिए अब टिड्डी खाना भी शुरू कर दिया है। वहाँ के रेस्टोरेंट्स में आपको तरह तरह के टिड्डियों से बने व्यंजन मिलेंगे। लेकिन इन सभी खबरों से निकलकर आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार सदियों से थार रेगिस्तान में मौजूद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में लोग टिड्डी के व्यंजन खाते आए हैं। समय समय पर उन्होंने टिड्डियों से बने तरह तरह के व्यंजन खाए हैं। अब असली खबर आपको बताते हैं कि असली खबर क्या है। दरअसल पाकिस्तान में टिड्डियों को पालना अब पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। दरअसल जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर बॉर्डर के पास थार, नारा और चोलिस्तान रेगिस्तान में टिड्डी पालना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। हवा की दिशा उत्तरी पूर्वी होते ही करोड़ों टिड्डी सिंध प्रांत पहुंच गई। सिंध की राजधानी कराची में टिड्डी के बादल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के शहरों में बलूचिस्तान के तटीय इलाकों से भी टिड्डी पहुंचना जारी है। एयरक्राफ्ट होने के बावजूद पाकिस्तान टिड्डियों को नियंत्रित करने में असफल है। कराची में टिड्डी के तूफान के समय वहां कायदे आजम ट्रॉफी मैच के तहत सिंध प्रांत और उत्तर प्रांत के मध्य क्रिकेट मैच चल रहा था, लेकिन टिड्डी बादल मंडराते देख मैच को रोकना पड़ा। साफ है, पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ टिड्डी नियंत्रण अभियान नहीं चलाया, लिहाजा अब उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बन सकती है, इसकी बड़ी बड़ी डिशें बनती हैं और आमतौर पर डेजर्ट एरियाज में ये खाई जाती है। शहरी परेशानी बिल्कुल ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि चल के आइए तो शहरों को खाना चाहिए इसको।